नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच एस में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार के बारे में और टाइप्स ऑफ ऑक्युपेशनल हज़ार्स यानी कि ऑक्यूपेशनल हज़ार्स के प्रकार तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल हजार होते क्या हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आर द रिस्क ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस इन द अदर वर्ड्स हजार्ड्स दैट वर्कर्स एक्सपीरियंस इन द प्लेस ऑफ वर्क यानी वैसे हजार्ड्स वैसे खतरे जो कि कोई वर्कर अपने वर्क प्लेस पर वर्क को एक्जीक्यूट करते समय एक्सपीरियंस करता है उसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं जैसे कि कोई वेल्डर है वो वेल्डिंग कर रहा है तो उसे वेल्डिंग के दौरान फायर इलेक्ट्रिकल शॉक बर्न रेडिएशन जैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा तो वहाँ काम कर रहे सभी वर्कर्स के लिए ये सारे हजार्स ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कहलाएंगे। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स अकॉर्डिंग टू ओसा ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स चार टाइप के होते हैं पहला फिजिकल हजार्ड दूसरा केमिकल हज़ार्ड तीसरा बायोलॉजिकल हज़ार्ड और चौथा साइकोलॉजिकल हजार्ड तो सबसे पहला है फिजिकल हजार्ड फिजिकल हजार्ड होता क्या है तो वैसे फैक्टर्स वैसे एजेंट्स या वैसे सरकमस्टांसेस जो हमारे कांटेक्ट में आके या बिना कांटेक्ट में आए हमको हार्म कर सकते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें हम फिजिकल हज़ार्ड्स बोलते हैं जैसे कि रेडिएशन नॉइज हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस वाइब्रेशन स्लिप एंड ट्रिप एट्सट्रा दूसरा है केमिकल हज़ार्ड केमिकल हज़ार्ड क्या है तो केमिकल हज़ार्ड एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो वर्कप्लेस में केमिकल एक्सपोजर के कारण होता है इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे एक्यूट हो भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल हजार्ड इम्यून एजेंट्स यानी वैसे केमिकल्स जिनके एक्सपोजर से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है टर्माटोलॉजिक एजेंट्स यानी वैसे केमिकल जिनके एक्सपोजर से हमारे स्किन पे इफेक्ट पड़ता है जैसे कोई क्रोजिव केमिकल अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो हमारा स्किन बर्न हो जाएगा उसके बाद है कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस वैसे केमिकल्स होते हैं जिनके वजह से कैंसर होता है न्यूरोटॉक्सेंस सिलिका डस्ट इंजन एग्जॉस्ट एटसेट्रा तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड्स बायोलॉजिकल हजार्ड्स को बायो हजार्ड्स भी बोला जाता है क्या होता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स तो वैसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस जिससे कि किसी ह्यूमन बीइंग या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को खतरा होता है उसे हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स बोलते हैं एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड्स बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिंग वेस्ट एट्सट्रा सबसे लास्ट है साइकोलॉजिकल हजार्ड साइकोलॉजिकल हजार्ड एक तरीके का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो कि एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है जैसे कि वर्कलोड या वर्क स्ट्रेस अगर आपके वर्क प्लेस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल हजार्ड है बुलिंग या हरासमेंट किसी को चिढ़ाना या किसी भी तरीके का हरासमेंट वायलेंस विद स्टाफ या पुअर कल्चर ये सभी के सभी साइकोलॉजिकल हजार्ड्स है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स किसी भी एम्प्लॉय के वर्किंग एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में